अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू परी का घर। आज परी के घर के किचन में बन रहा है ब्लैक पेपर बीफ, जो कि जायके और लज्जत में आपका दिल जीत लेगा। उसके लिए हमें चाहिए 1 किलो बीफ, आप चाहें तो इसे मटन में भी बना सकते हैं। 3 बड़ी प्याज थी जिसे हमने बारीक स्लाइस कर लिया है। 4 टमाटर थे जिन्हें हमने बारीक स्लाइस कर लिया है। 2 टीस्पून हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट की ज़रूरत होगी। साथ हमने लिए हैं 8 हरी मिर्चें जिन्हें हमने काट लिया है। 2 टीस्पून हमें चाहिए होगा नमक, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और हमने ली है 1 टीस्पून भर के पिसी हुई काली मिर्च। और हमें चाहिए होगा ऑयल 1 प्याला। और हमें चाहिए होगा 1 गट्ठी हरा धनिया जिसे हमने बारीक काट लिया है। और हमें ज़रूरत होगी पानी की गोश्त गलाने के लिए। तो चलें हम अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन में ऑयल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। साथ ही ऐड कर देंगे हम इसमें गोश्त, और साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें नमक। और अब हम इसको ब्राउन होने तक अच्छे तरीके से भूनेंगे। 10 मिनट में हमारा गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से भुन गया है। अब हम इसके अंदर तमाम प्याज ऐड कर देंगे, और उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसको बहुत अच्छा सा गुड मिक्स देने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गोश्त गलने जितना पानी। और कम से कम बीफ के गोश्त को गलने के लिए लगता है 1.5 घंटा, तो अब हम इसको कवर कर रहे हैं 1.5 घंटे के लिए। जी, तो 1.5 घंटा हो गया है। तो इसको जब तक हम भूनेंगे अच्छे तरीके से, तब तक इसमें से पानी भी खुश्क हो जाएगा और प्याज और टमाटर भी जो हैं वो अच्छे तरीके से इसमें मेल्ट हो जाएंगे। हाई फ्लेम पर हम इसका पानी खुश करेंगे और इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। ये देखें, मसाले ने घी छोड़ दिया है, ऑयल छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देंगे, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पिसी हुई काली मिर्च और कटी हुई अदरक है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल। हरे धनिए के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें और इसको एक गुड मिक्स देंगे। और उसके बाद जब इसका ऑयल अच्छे तरीके से ऊपर आ जाएगा तो हमारा बीफ ब्लैक पेपर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। देखें, 2 से 3 मिनट हमने इसे भुना है और ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में आ गया है और इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब हम आँच को बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देंगे, दम पर, और इसे कवर करके 2 से 3 मिनट सिमर होने देंगे। और उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे, तो फिर आपको दिखाएंगे।